बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने को चलाया शहर में चेकिंग अभियान। जनवरी से अब तक 650 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में दर्ज की गई FIR। आपको बताया चले जनपद रामपुर में बिजली विभाग के XN बीज कुमार ने बताया कि बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने को लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के पहाड़ी गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने को अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक 650 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में FIR दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मीटर में लोग छेड़छाड़ कर बिजली चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा हम लोगों से अपील करते हैं कि बिजली चोरी ना करें, साथ ही मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। वहीं अब आइए सुनते हैं बिजली विभाग के XN भीष कुमार और क्या कह रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग द्वारा तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 650 FIR लगभग अभी पिछले महीने से लेकर अब तक कर दी गई हैं। और इसी अभियान में टेम्पर्ड मीटर भी लोगों के पाए गए हैं। एक ही जगह एक ही गली में कम से कम 50% मीटर टेम्पर्ड मिल रहे हैं, जिनको मौके पर बदलवा कर मीटर को डिक्लेयर किया जा रहा है और लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। ये पहाड़ी गेट क्षेत्र में हो रहा है और सावाद गेट क्षेत्र में भी। लोगों से अपील यही है कि भाई बिजली को चोरी ना करें, मीटर के साथ छेड़छाड़ ना करें। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है विभाग में आके कर्मचारियों से अधिकारियों से पूछ लें, लेकिन बिजली का बिल कम हो जाएगा या कुछ ऐसी भावना को लेकर वो अपने मीटर के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं या कटिया डाल के चोरी करते हैं, तो उससे उनका कोई समाधान नहीं होने वाला। कभी ना कभी वो पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। जनवरी से लेकर अब तक करीब 650 लोगों पर FIR हो चुकी है। ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक लाइन लॉस हमारा घटकर 10% से नीचे नहीं आएगा। पूरे जिले में ही चलेगा। अभी मेरे पास शहर का क्षेत्र है रामपुर, तो उसमें ही अभी फिलहाल चल रहा है विजिलेंस।